फाइनली हम जानिया पहुंच चुके हैं। बिलाल है मेरे साथ और पीछे आप देख रहे हैं रिक्शा, लेकिन उससे पीछे देखेंगे तो हलवा पूरी नाश्ता तैयार हो रहा है और मेरे साथ लगड़ बगा उन्हें बिलाल है। तो अभी हम नाश्ता करेंगे, फिर हम वो ब्लू रेस होनी है, पहले ब्लू नहीं पहले ऊँटों की फाइट। हाँ ऊँटों की फाइट है तो वो दिखाएंगे आपको। अभी बस हम निकलने लगे हैं और अशोक गोरी साहब हमें थोड़ी सी डिटेल बता रहे थे कि हमें कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ऐसी कल्चर एक्टिविटीज़ को कैप्चर करने जा रहे हैं, इसमें रिस्क बहुत होता है। टेंट पैकिंग करने के भी कुछ उसूल हैं, बुल कार्ट के भी कुछ उसूल हैं, ठीक है, कैमल फाइट के भी कुछ उसूल हैं, और सबसे पहले आपको पता है कि सेफ्टी फर्स्ट, आपको सबसे पहले अपने आप को कैप्चर करना है, इस तरीके से करना है, इस पोजिशन में रखना है कि आप जा सके। अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं जिधर हमने फोटोग्राफी करनी है। अब बताया दिल भाई क्या करना पड़ेगा, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी सिर्फ हमें जाके रेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अभी तो स्टार्ट ही इधर तो तस्वीरें उतारने हैं, आप रेस्ट पे आ गए, चले मैं घर छोड़ के आऊँ, आ जाए अभी बैठ के सिर्फ हम रेस्ट करेंगे। ये भी जब काशिफ ने खड़े होना है ना, काशिफ को काशिफ ठीक हो जाएगा। कैमरे की टेस्टिंग हो रही है, चलो ठीक है, मूंछों वाले भाई लगड़ बगा बिलाल हमें बताएंगे। यहाँ पे काफ़ी फेमस फोटोग्राफर्स आए हैं, बिलाल कौन कौन सा आया? सबसे पहले तो बिलाल है, मैं बताते खुद आप आए हुए हैं, इन्होंने चुके लिया आ गया।
بہت شکریہ دل چشتی کا گراؤنڈ میں تشریف لانے کا. یہ وقت پبلک کے لیے جا رہے ہیں، بڑی دور سے پیدل آئے ہیں. یہ جو پرسن ہے نا کاشف بھائی، جی جی، یہ ماشاء اللہ یہ ایکٹر بنیں گے فیوچر میں. یہ تھا جہانیہ کا ٹور، میرے لیے تو بہت انٹرسٹنگ رہا ہے یہ، اور کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے. ماشاء اللہ کافی فیمس فوٹوگرافر بھی آئے ہوئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی ہے. اب ان شاء اللہ گھر کے لیے ہم نکلنے لگے ہیں.